तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं फिल्मोरा की होम स्क्रीन पर, तो सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो टाइमलाइन पर। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं अपन ने अपनी वीडियो जो इंपोर्ट कर ली अपने टाइमलाइन पर काफ़ी आसान तरीके से, थोड़ी सी स्ट्रेच कर लेते हैं। तो जैसे कि ये वीडियो है तो सिंपली अपने को सैम्पल कलर इंपोर्ट कर लेना है, ब्लैक, ब्लैक भी कर सकते हो, व्हाइट भी कर सकते हो, आपको जो मन है आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा टाइमलाइन को थोड़ा अपन स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि अपने को क्या है ना फ्रेम बाय फ्रेम थोड़ी सी कटिंग करनी है, ठीक है। तो टाइमलाइन थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे करीब इतना, देन अपने को यहाँ पर ब्लैक कलर पे आ जाना है और अपने को सिंपल क्या करना है, दो फ्रेम आगे जाना है, मतलब 1 2, ठीक है। टू फ्रेम्स अपन आगे जाएंगे, देन अपन एक कट लगा देंगे, ठीक है, इसको लॉक करके, देन अपन एक कट लगा देंगे, देन अगेन टू फ्रेम आगे जाएंगे, दोबारा कट लगा देंगे, देन अगेन अपन टू फ्रेम आगे जाएंगे, दोबारा कट लगा देंगे, देन अगेन टू फ्रेम आगे जाएंगे, दोबारा कट लगा देंगे। तो इसी तरीके से अपने कट लगाना है, ठीक है। तो अपने कट लग चुके हैं, देन अपने को एक छोड़कर एक बॉक्स डिलीट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है। तो अपने डिलीट कर दिया, मतलब ब्लैक कलर डिलीट कर दिया, तो ये तीन अपने को ब्लैक कलर मिले हैं। तो सिंपली इनको क्या करना है, अपने को कर लेना है इनको कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लेना है काफ़ी आसान तरीके से। यहाँ पर अपन ने कॉपी कर लिया, देन अपन यहाँ पर आएंगे और अगेन दो फ्रेम आगे जाके देन पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जितना आपको फ्लिकर कराना है आप उतना ही कर सकते हो, मतलब पेस्ट जितने पेस्ट करोगे उतने ही फ्लिकर जो है वो होते जाएंगे, ठीक है। अगेन टू फ्रेम आगे जाकर पेस्ट करते जाना है, ठीक है। ड्यूरेशन सेम होनी चाहिए, काफ़ी बढ़िया लगेगी इससे, ठीक है। तो अपनी जो वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है काफ़ी आसान तरीके से, इतनी छोटी सी मेथड है और इससे आप काफ़ी बेस्ट वीडियो जो है बना सकते हो, ठीक है। तो रिमेनिंग वीडियो मैं जो है डिलीट कर देता हूँ और आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ किस तरीके से अपनी जो वीडियो बनी है, ठीक है। तो अब अपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पर अपन चला के दिखा देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और अगर आपको वीडियो जो है ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब ये फ्लिकर जो है ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो अपन तीन फ्रेम भी आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि दो फ्रेम भी लेना, ठीक है, दो से तीन फ्रेम आप ले सकते हो। तो दोस्तों बस, दोस्तों अगर आपको पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह को देखने के लिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में।